गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू रीड इंग्लिश लिटरेचर एंड द बुक इज मोमेंट्स. देर आर टू बुक इन योर क्लास. वन इज मोमेंट एंड सेकेंड वन इज हाइव. सो इन दिस बुक वी विल स्टडी लेसन फोर In the kingdom of fools, you know, kingdom means what? State. And fools means idiots. Fools means idiot. Yes, these things in the state of idiots. Students, हम ये chapter पढ़ने जा रहे हैं. Chapter 4, in the kingdom of fools. आपने सुना होगा वो एक कहावत, टके सिर खाजा टके सिर भाजी, वो वाली ये कहावत सुनी होगी. उसी कहावत के ऊपर जो कि जनरली गांव में लोग कहते हैं, उसी के ऊपर ये आधारित जो है ये चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. इसमें एक राजा और उसके स्टेट, उसके राज्य की कहानी है. So let we are going to study. You all see, it is believed that fools are so dangerous that only every wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happened to them? ये कहा जाता है, आप ये लोगों को विश्वास है कि जो बेवकूफ होते हैं, जो idiots होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं जिसको संभालना मुश्किल हो जाता है. और उसको मैनेज कौन कर सकता है ऐसी स्थिति परिस्थितियों को? जो केवल बुद्धिमान लोग हैं वही ऐसी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि इस स्टोरी में कौन फूल है, क्या होता है इस स्टोरी में. लेट यू सी. अब बुक आपको ई फॉर्मेट में मिल जाएगी, आप देखिएगा. तब तक मैं पढ़ता हूं. इन द किंगडम ऑफ फूल बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स. दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट. स्टूडेंट्स, इन द किंगडम ऑफ फूल, यू नो द स्टेट, इन द स्टेट ऑफ, इन अ स्टेट वेयर सो मेनी इडियट्स आर देयर. In that state, ministers and also the king were idiot. Both the king and minister were idiots. They don't want to run things like other kings. जो वहां के राजा थे और जो वहां के मंत्री थे, वो दोनों ही मूर्ख थे. और वो चाहते थे कि उनके राज्य में सारी चीजें वैसी ना हो जो दूसरे राजाओं के राज्य में होती हैं. So they have decided to change night into days and day into nights. तो उन्होंने क्या किया, क्या परिवर्तन करने की कोशिश की? तो उन्होंने ये निश्चय किया कि change nights into days, रातों को वो दिन में परिवर्तित करेंगे, दिन को रात में, दिन को रात में. और रात को दिन में कहने का सेंस ये है कि जो काम दिन में होते हैं वो काम रात को किए जाएंगे, और जो काम रात को होते हैं वो काम दिन को किए जाएंगे. ऐसा निश्चय किया द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. द ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, स्टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. सो बोथ द पर्सन, बोथ द पर्संस, मिनिस्टर एंड द king have decided to give a order to their peoples that they will awake at night. वो क्या होंगे? रात को जगेंगे. तो राजा और उसके मंत्रियों ने निश्चय किया कि उनके राज्य के लोग क्या करेंगे, रात को जगेंगे. और still their fields, जो जो भी उनका व्यापार का जो क्षेत्र है, उस व्यापार के क्षेत्र के लोग रात को जगेंगे और अपने सारे businesses क्या करेंगे, रात को चलाएंगे. एंड गो टू बेड एज सून द सन केम अप, और जब ही सूरज निकलता है सभी लोग सोने चले जाएंगे. ऐसा निश्चय राजा और उनके मंत्रियों ने किया. एनीवन हु
disobeyed would be punished with death. और एक ऐसा निर्णय दे दिया कि जो भी इस शर्त का उल्लंघन करेगा उसको पनिशमेंट क्या मिलेगा, ही विल बी पनिश्ड विथ डेथ, उसको मृत्युदंड मिलेगा। ऐसा रूल बना दिया कि जो कोई भी ये नियम पालो नहीं करेगा, रात को उसको अपना बिजनेस करना है और दिन में सुबह सूरज निकलते ही उसको सो जाना है, जो ऐसा फॉलो नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा राजा ने घोषणा करा दी। द पीपुल डिड एज दे वेयर टोल्ड एंड फियर ऑफ डेथ द पीपुल डिड, और लोगों ने क्या किया, मृत्यु के उस भय से लोगों ने ऐसा ही किया जैसा कि राजा ने आज्ञा जारी किया था। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, क्योंकि सारे जो लोग थे वो राजा के उस दंड से डर गए, इसलिए राजा और मिनिस्टर बहुत खुश हुए कि उनका ये जो सुझाव है वो जनता ने मान लिया, उनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस हो रहा है। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव टू द सिटी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। तो सभी लोग रात में जगते थे, अपना अपना बिजनेस करते थे, दिन में सोते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, एक दिन एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ उस शहर में पहुंचता है और देखता है कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल इज द सिटी, कितनी सुंदर, कितना सुंदर शहर है, और इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और बहुत ही अच्छा दिन रहता है जब वो गुरु और उनके कुछ शिष्य उस शहर में प्रवेश करते हैं। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, और उनको आश्चर्य लगता है कि अरे जिस समय वो शहर में आते हैं बहुत अच्छा दिन होता है, शहर में कोई नहीं है। एवरीवन वाज एस्लीप, नॉट अ माउस स्ट्रिंग, सारे लोग सो रहे हैं, बिल्कुल कोई हरकत नहीं है, कोई स्फूर्ति नहीं है। उन लोगों ने ऐसा देखा, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, इट इज मिस्टीरियस। उन लोगों ने जो जानवर थे उनको भी इस तरह से आदि बना दिया था कि जानवर भी क्या करते थे, दिन में सोते थे, है ना, इमेजिंग बात कि जानवरों को भी ऐसे बना दिया जाए कि वो दिन में सोए। तो जैसे जनरली आप देखते हैं क्या, जानवर दिन में खाते और रात को सोते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि जानवर भी दिन में सोते थे और रात को चीजें खाते थे। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, द टू स्ट्रेंजर्स वेयर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। तो दीज टू पर्संस, गुरु एंड हिज डिसाइपल्स, सीन ऑल अराउंड द सिटी, पूरा उन्होंने घूमा और देखा, बहुत आश्चर्यजनक चीजें उनको लगी, पूरे शाम तक वो उस शहर को घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nighty business, और अचानक उन्होंने क्या देखा, जो ही शाम हुई सारे लोग जग गए और सब लोग अपने अपने व्यवसाय में को करने लगे। तो वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि अरे यहाँ क्या हो रहा है, दिन में सारे लोग सो रहे हैं और रात को सब लोग जग के अपने अपने बिजनेस को कर रहे हैं। द टू मैन वेयर हंग्री, नाउ दैट द शॉप वेयर ओपन दे वॉन्ट टू बाय सम ग्रोसरीज, टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। पूरा दिन उन्होंने घूमने में बिताया, पूरा दिन उन्होंने शहर को देखने में बिताया, शाम को उनको बहुत तेजी से भूख लग गई। स्वाभाविक सी बात है, जब पूरा दिन कोई घूमेगा बिना खाना पाने के तो शाम को भूख लग जाएगी। तो एज इट इज दे हैव फील हंग्री एंड देन दे हैव डिसाइडेड टू परचेज समथिंग फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, सो दे वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, एंड व्हेन दे हैव रीच्ड टू द ग्रोसरी शॉप दे आर एस्टोनिश्ड, व्हाट, एवरीथिंग हैज द सेम रेट। पता है ना, टके से भाजी, टके से खाना, एक ही टके का सब है, चाहे आप भाजी खरीद लो चाहे आप मिठाई खरीद लो। तो ऐसा ही था, दे वेर एस्टोनिश्ड दैट एवरीथिंग इन द ग्रोसरी शॉप हैज द सेम कॉस्ट, अ सिंगल डुडू, डुडू एक उस समय की
उस समय के मणि का एक नेम है अ सिंगल डुडू वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और अ बाउल ऑफ बनाना। तो उन्होंने देखा कि यहां एक चावल की कटोरी ले लीजिए या बंच ऑफ बनानास ले लीजिए, बंच ऑफ बनानास बने केलों का गुच्छा, तो आप चाहे केले लीजिए चाहे आप एक कटोरी चावल ले लीजिए, दोनों का कास्ट क्या है, सेम है, एक कास्ट और डडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वेयर डिलाइटेड, यस द टीचर एंड हिज डिसाइपल वेयर अस्टॉनिश्ड, व्हाट अ किंगडम, एवरीथिंग इज इन 1 rupees, आइदर यू कैन टेक अ बाउल ऑफ राइस आर यू कैन टेक द बंच ऑफ बनानास, यस बोथ आर डिलाइटेड, दे हैड नेवर हर्ड एनी थिंग लाइक दैट, दे कुड बाय ऑल द फूड्स दे वांटेड फॉर 1 rupees। क्या कभी आपने सुना है ऐसा होता कि आप 1 rupee में जो चाहे चीज वो चाहे वो चीज खरीद ले, तो वो बहुत डिलाइटेड थे, बहुत आश्चर्यचकित थे, बहुत जो है आश्चर्यचकित थे, डिलाइटेड थे, और उन्होंने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड्स दे वांटेड फॉर 1 rupee, जो भी चीज चाहे वो 1 rupee में खरीद लेते थे। यस when they had cooked and eaten and guru realized that this was a kingdom of fool and it would not be a good idea for them to stay there। हम जानते हैं कि ये गुरु हमेशा हमें अच्छी राय दिखाता है और आने वाले खतरों को भाप जाता है। ठीक उसी तरीके से जो उनके गुरु थे, उन शिष्यों के जो गुरु थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यह राज्य मूर्खों का राज्य है और यहां रुकना अच्छा निर्णय नहीं होगा। That is no place for us, इस जगह पे हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। Let's go, he said to his disciple, but the disciple did not want to leave the place। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह जगह छोड़ देना चाहिए, यह जगह हम लोगों के लिए नहीं है। Everything was cheap here, all he wanted the good, cheap good। Guru said, they all are fools, this won't last very long and you can tell what they will do to you next। तो उनके गुरु ने कहा कि यहाँ सारी चीजें सेम हैं, इसलिए हर चीजें यहाँ बराबर हैं, इसलिए यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, यह हम लोग के लिए खतरा हो सकता है।